गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोपोसिटी। टोपोसिटी में हम देखेंगे होमोटॉपिक, एनेंशियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक। होमोटॉपिक एंड हेटरोटॉपिक भी होता है। ये एनेंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक जो होते हैं वो होमोटॉपिक हेटरोटॉपिक के अंदर आते हैं। ये होता है हमारा हेटरोटॉपिक। अगर हम कहें होमोटॉपिक और हेटरोटॉपिक, ठीक है, तो होमोटॉपिक होगा एक हमारा और दूसरा होगा हेटरोटॉपिक। हेटरोटॉपिक के अंदर आता है एनेंशियोटॉपिक, यहाँ पर हमारे तीन एनेंशियोटॉपिक हैं, और आता है डायस्टीरियोटॉपिक। कब हमारा एनेंशियोटॉपिक होगा, कब डायस्टीरियोटॉपिक होगा, कब होमोटॉपिक होगा, इसके लिए हमें देखना है ये टेबल। यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन लिगेंड रिलेटेड विथ सिमेट्री एलिमेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन या फिर जिस लिगेंड की हमें होमोटॉपिक या टोपोसिटी पता करनी है, जिस भी हाइड्रोजन या फिर जिस लिगेंड की हमें टोपोसिटी पता करनी है, तो उसमें हम सिमेट्री देखेंगे। अब इसमें कौन सी सिमेट्री होगी, तो ये सब होंगे। सबसे पहले देखेंगे अगर उसमें सी टू एक्सिस अगर होती है, अगर किसी मालिक्यूल में हमारे पास सी टू एक्सिस होती है, तो वो मालिक्यूल होगा हमारा होमोटॉपिक। मालिक्यूल नहीं मतलब जो हाइड्रोजन को जिसे हमें देखना है कि वो होमोटॉपिक है कि नहीं, वो हाइड्रोजन या फिर जो लिगेंड होगा वो होगा हमारा होमोटॉपिक। अगर उसमें सिग्मा प्लेन या फिर इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर किसी मालिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और वो हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनेंशियोटॉपिक। और इसी तरह से हमारे पास है सी आई पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर इसे सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होती है उस वो भी होता है हमारा एनेंशियोटॉपिक। या फिर एस एन सी फोर प्लस सिग्मा, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और अगर ये भी किसी में प्रेजेंट होती है तो वो भी हमारा होता है एनेंशियोटॉपिक। अगर किसी भी तरह की सिमेट्री, नो यहाँ पे लिखा है नो सिमेट्री, किसी भी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ना हो, तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन जो भी हमारा लिगेंड होगा वो होगा हमारा डायस्टीरियोटॉपिक। या फिर किसी प्लेन के थ्रू बाइसेक्ट हो रहे हों तो होगा हमारा डायस्टीरियोटॉपिक। तो एलिमेंट ये सब है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आप इसी स्टीरियो केमिस्ट्री की वीडियो जब शुरू में जाएंगे थोड़ा सा, उसमें मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम डिटेल्स में जब हम ग्रुप थियोरी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल अभी हमें डिस्कस करना है कि होमोटॉपिक एंड एनेंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, देखते हैं हम ये वाला एग्जांपल, ये वाला। अब इस मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि इसमें ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है, ये होमोटॉपिक है या फिर हेटरोटॉपिक। हेटरोटॉपिक मीन्स एनेंशियोटॉपिक या फिर डायस्टीरियोटॉपिक। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। सी टू ऑफ सिमेट्री अगर हम प्रेजेंट देखें कहाँ से पास करें, तो अगर हम यहाँ से इस तरह से सी टू एक्सिस यहाँ से पास करते हुए इस कार्बन से लाते हुए यहाँ से हम इसमें सी टू एक्सिस इस तरह से पास करें और इसको रोटेट करें, यहाँ पे सी टू का मतलब इसे 180 डिग्री रोटेट करना होगा। जब इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो यह हाइड्रोजन H1 जो है वो यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये पूरा मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट होकर ये वाला इस साइड और ये वाला पीछे से इस साइड आ जाएगा। तो इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो जिस मॉलिक्यूल में भी सी टू ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो मॉलिक्यूल होता है हमारा होमोटॉपिक। इसे आप होमोटॉपिक लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप, मुझे अभी और काम इसमें। तो अभी ये मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास होमोटॉपिक। लेकिन अब मैं यहाँ पर सिर्फ दो हाइड्रोजन विजिबल किया हूँ, बाकी सभी को दिखाता हूँ। अब यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, इसका हेटरोटॉपिक का काम ख़त्म हो गया यहाँ से। एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर भी होगा। H1 H2 है, यहाँ पर करेंगे H3, ये हो जाएगा H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 11 ये 12, ये हो गया हमारे कार्बन की नंबरिंग, और ये वाला ये हो गई हाइड्रोजन की, और ये हो गया हमारा कार्बन 1, ये कार्बन 2, और ये कार्बन 3, ये कार्बन 4,
ये कार्बन 5, ये वाला 6 और ये वाला 7। तो अभी हमें इसमें क्या देखना है कि इसी एग्जांपल में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये सब सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिग्मा प्लेन किस तरह से इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने यहाँ से देखी कि ऊपर से इस तरह से आएगी इस मालिक्यूल से। ये मालिक्यूल मान लीजिए ये ऐसे है और ऊपर से ये एक तरफ ब्रिज है, ऊपर से ये सिमेट्री आई है और इसको हमने इस तरह से C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में इसे हमने रोटेट किया है। तो इसमें C2 ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो अब इसमें देखना है कि प्लेन भी प्रेजेंट है कि नहीं। तो प्लेन प्रेजेंट के लिए अगर जहाँ से C2 ऑफ सिमेट्री हमारी आई है, अगर हम उसी तरह से इसमें एक प्लेन डालें कि एक प्लेन किस तरह से आएगा, वो किस किस कार्बन को कट करेगा। देखिए C1, C2, C5 और ये तो होगी कार्बन की बात। अब हाइड्रोजन जाएगा हमारे पास H11, H12। हम इस तरह से प्लेन डालेंगे, इसके बीच से कुछ इस तरह से कट करता हुआ आएगा इसके इसमें से। ये ब्रिज वाला दोनों कार्बन जाएगा, ब्रिज वाला दोनों बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन से एक प्लेन पास हो जाएगा। तो ये दोनों H आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे और ये सब आपस में इधर उधर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा प्लेन जो हमारे पास पड़ जाएगा वो इस तरह से पड़ेगा, इस तरह से पड़ेगा। तो ये दोनों उसके साथ बाइसेक्ट होंगे और उसके साथ ये कार्बन बाइसेक्ट होगा और नीचे के साइड यहाँ से ये बॉन्ड बाइसेक्ट होगा। फिलहाल हम C2 सिमेट्री पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो C2 सिमेट्री जब यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ से पास हो रही है, तो अब ये इंटरचेंज कैसे हो रहा है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम इसमें C2 ऑफ सिमेट्री पहले डालकर जब इसे घुमा रहे हैं, जब इसे रोटेट कर रहे हैं, तो पहले C2 एक्सिस पास हो रही है C1 से, ये C1 से हमारी पास हो रही है C2 जब हम कर रहे हैं, और कहीं पर कार्बन और पर में कार्बन से नहीं पास हो रही है, सिर्फ C1 से पास हो रही है। तो ये हो गई हमारे C1 और इंटरचेंज क्या क्या हो रहे हैं, यानी कि जो रोटेट हो रहा है तो कौन कौन सी पोजीशन कहाँ कहाँ पर जा रही है। तो इसमें देखिए C2 सिमेट्री जो होती है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पर जाएगा। C2 का मतलब होता है 180 डिग्री रोटेट करना। जब हम पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे ग्रुप थियरी में, इसमें होता है एक फार्मूला 360/N। यहाँ पर CN है, यहाँ पर CN की जगह यहाँ पर C2 है, यहाँ N इक्वल टू 2 है। जब इसको 2 से 360 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 180 डिग्री। इसी 180 डिग्री को हम C2 में हम रोटेट करते हैं। C2 का मतलब हमें 180 डिग्री रोटेट करना होता है। तो जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो H1 H2 की जगह पर जाएगा। पहले कार्बन देख लेते हैं। यहाँ से हमने एक्सिस पास की, इसको हम रोटेट करेंगे तो इसके अपोजिट साइड पे कौन है, ये C2 और ये C5। तो C2 C5 आपस में इंटरचेंज होंगे और ये C3 C6 ये इसके अपोजिट साइड पर है, तो ये C3 और C6 आपस में इंटरचेंज होंगे और ये C4 और C7 जो है वो आपस में इंटरचेंज होंगे। अब ये 3D है, इसमें आपको एज्यूम नहीं आ रहा है तो आप इसको सीधे सीधे अपोजिट अपोजिट देख लीजिए। ये तो हो गई कार्बन की बात। अब देखते हैं हाइड्रोजन कौन कौन से है। ये हाइड्रोजन देखिए आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे जब इसे हम रोटेट करेंगे, तो इस तरह से ये इधर H1H2, ये हो गया H1H2। अब आते हैं इस कार्बन पर, ये C3 वाला C6 पर गया था, तो यानी कि ये हाइड्रोजन वाला, ये दोनों हाइड्रोजन है वो दोनों यहीं कहीं आएंगे। अब ये H3 जो है वो एक्सियल पोजीशन, ये वाली एक्सियल अब अपोजिट पे जाएगा। C3 एक्सियल पर है तो C3 इस बार आएगा इक्वेटोरियल पर। तो यानी कि H3 और H7 आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद H4 जो वो आपका इक्वेटोरियल पर है, तो अब इधर जब आएगा रोटेट होकर वो एक्सियल पर आएगा, यानी कि H4 और H8 आपस में इंटरचेंज करेंगे, उसी तरह से जब हम C4 की बात करते हैं तो ये इक्वेटोरियल पर H5 है, तो इसका अपोजिट ये वाला है और ये इक्वेटोरियल पर था तो एक्सियल वाला ये वाला है, तो H5 और H9 आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए H5 और H9 आपस में इंटरचेंज करेंगे। और ये देखिए H6 एक्सियल पर है और ये H10 इक्वेटोरियल पर है, तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे H6 एंड H10। तो H6 H10 हो गया, इसी तरह से 11-12 ये नीचे की साइड है। जब रोटेट करेंगे 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मालिक्यूल है कोई, वो नीचे की साइड है, इसे 180 डिग्री अपोजिट कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर की साइड आ जाएगा, तो ये H11 12 की जगह जाएगा और 12 वाला 11 की जगह पर आ जाएगा।
वो हो गया। ये हमने सी टू सिमेट्री देख ली। अब देखते हैं कि इसमें प्लेन किस तरह से पड़ रहा था, जो मैं दिखा रहा था अभी। एक प्लेन हमारा इस तरह से पड़ेगा, सी वन सी टू और ये सी फाइव से होता हुआ जाएगा, और उसके साथ साथ सी वन सी टू सी फाइव से होता हुआ जाएगा, इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन भी बाइसेक्ट होंगे। कैसे, इसको मैं थोड़ा सा 2D में बना के दिखाता हूँ। पहले ये इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला पार्ट, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ये हो गया नीचे के पार्ट, और ये जो ऊपर का इस तरह से पार्ट है, एक बांड ये इसको मैं अंदर ही दिखा देता हूँ। एक बांड ये, यहाँ पर कार्बन, और दूसरा बांड ये, और उसके साथ लगा हुआ ये हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये जो एबव से दिखाया गया और ये जो बिलो से दिखाया गया वो यहाँ पर है। अब देखिए मैं प्लेन किस तरह से पास करने की बात कर रहा था। ये C1 है ना, ये वाला C1 है, और ये वाला C2 है, और ये वाला C5 है। अब प्लेन कुछ इस तरह से पास होगा, एक हमारा यहाँ से इस तरह से पास हो जाएगा, हमारा ये प्लेन है। तो इसके साथ साथ C1, C2, C5 बाइसेक्ट हो रहे हैं, उस प्लेन के थ्रू ये कट रहे हैं। देखिए इसमें समझना मुश्किल है तो इसमें समझिए। तो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं C1, C2, C5 इस प्लेन के थ्रू, इसे हम कहेंगे σV1। अभी V1 इसमें दो वर्टिकल प्लेन है, इसमें हम एक को नाम देंगे σV1, दूसरे को देंगे σV2। तो पहले में बाइसेक्ट हो रहा है C1, C2, C5। देखिए ये है C1, C2, C5 बाइसेक्ट हो रहा है कार्बन, ये हो गया, और उसके साथ साथ H11, H12, ये वाला था H11 और ये वाला था H12, ये भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आपस में रिफ्लेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, तो इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, ये सब आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये 1, 2, ये 3 कार्बन, 4, 5 और ये 6। हाँ, तो अब इसमें समझिए, अब ये बाइसेक्ट हो गया, अब ये C3 जो है वो C7 की जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टर तो आमने सामने करेंगे ना, C3, C6 की जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा, और ये C4 जो है वो 5 की जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए रिफ्लेक्ट कौन कौन कर रहा है, C3 जो है वो 7 की जगह पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और C4 जो है वो C6 की जगह पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पर, बीच से गया है, तो H1 और H2, ये H1 है, ये H2, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं ये 3 ऊपर की साइड, ये 9 ऊपर की साइड, ये भी आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, 3, 9। फिर उसके बाद 4 और 10 आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, 5, 7, ये 5 यहाँ पर है, ये 5 यहाँ पर, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, H8, H6, ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे इस प्लेन के थ्रू, जो वहाँ पर मैंने दिखाया है। अब दूसरा प्लेन कहाँ से पड़ेगा हमारा, एक प्लेन तो इस तरह से पड़ गया, इसी को मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ। ये हाइड्रोजन हमारा H2, ये वाला H1, H12, H11। अब जो दूसरा प्लेन पड़ेगा हमारा वो यहाँ से इस तरह से पड़ेगा। अब इसमें समझिए कहाँ से पड़ रहा है दूसरा वाला प्लेन। पहला तो इस तरह से गया, इसको कट करता हुआ, और दूसरा जाएगा इस तरह से, ये कार्बन लेगा और ये दोनों के बांड के बीच से जाएगा, यानी कि C1 तो अपना जाएगा, ये C1 वाला अपना जाएगा, ये C1 के थ्रू होता हुआ जाएगा। ये बांड आपको अगर इस तरह से करेंगे तो आप इस तरह से ईजिली कट कर पाएंगे, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, ये ऊपर की साइड है। तो इसमें देखिए अब ये इस तरह से कट कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये H1, H2 भी उसके साथ बाइसेक्ट हो रहा है। इसमें σV2 है ये, इसमें C1, H1, H2 बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए σV2 में बाइसेक्ट हो रहा है C1, H1, H2, C1 यहाँ पर, H1, H2 बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसेक्ट, ठीक। अब कौन कौन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो देखना है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब इसमें देखो ना, अब जब प्लेन हमारा इस तरह से पड़ा हुआ है,
अब ऊपर वाला छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर समझिए कि ये प्लेन हमारा इस तरह बीच से पड़ा हुआ है, तो ये 2.5 की जगह पर रिफ्लेक्ट करे, 2.5 की जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा, और 3 वाला 4 की जगह पर, और 7 वाला 6 की जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए C2 जो है वो 5 की जगह पर, C2 जो है वो 5 की जगह पर, C7 जो है वो 6, C7 जो है वो C6 की जगह पर यहाँ पर, यानी कि दूसरा वाला प्लेन हमारा इस तरह से पड़ा है, उसके साथ साथ ये वाला भी बाइसेक्ट हुआ है, बस इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं। रिफ्लेक्ट C2 ये हो गया, C3 4 हो गया, C7 C6 हो गया, ये हो गई कार्बन, ये हो गया कार्बन हमारा। अब हाइड्रोजन कौन कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, उसी तरह हाइड्रोजन भी रिफ्लेक्ट कर लेंगे अपना, 11-12 से रिफ्लेक्ट करेगा, 11-12 से, 3-5 से, 3 ऊपर की साइड 5 इधर है, ये आपस में रिफ्लेक्ट कर लेंगे, ये H4 H6 आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, इसी तरह से ये आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें C2 ऑफ सिमेट्री परसेंट होती है, तो ये मॉलिक्यूल रोटेट होता है तो कौन कौन से हाइड्रोजन इंटरचेंज होकर कहाँ कहाँ पर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं C2 पास करके अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, चलो मैंने इसमें C2 एक्सिस पास किया है, इसको रोटेट किया है, तो मैं इसका मैं दूसरा जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसमें से हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर आएगा आपको वही दिखाएगा यहाँ पर। चलिए देखिए, यानी कि इन C2 एक्सिस पास करने के बाद ये सब आपस में अपोजिट की पोजीशन पर हो जाएंगे, H1 इधर है तो H1 इधर हो जाएगा और H2 यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 यहाँ से हमारी C2 पास हो रही है तो ये 1 वहीं पड़ा रहेगा, और यहाँ से C2 जो थी वो C2 अपोजिट साइड पर, यानी C2 यहाँ पर आ जाएगा, और C2 आ गया हमारा यहाँ पर, और ये C6 वाला जो है C2 तो हमारा यहाँ है ना, पहले था C2 यहाँ पर, तो C2 आएगा यहाँ पर, C2 आएगा हमारा यहाँ पर, और ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3 जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला होगा 3, ये वाला हो जाएगा 6, ये वाला हो जाएगा 4 यहाँ पर, और ये 7 वाला हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर जब रोटेट होंगे तो हमारे पास वो बनेगा। बाकी हाइड्रोजन आप लोग अपोजिट कर सकते हैं, कैसे कहाँ कहाँ पर ड्रा करेंगे हाइड्रोजन को अगर मैं करना हो, तो H3 आएगा आपके पास इधर एक्सियल पर है, तो इसका अपोजिट इधर है तो इक्वेटोरियल, तो H3 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, और H4 को अगर हमें दिखाना हो तो H4 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, H4 हमारा इधर इक्वेटोरियल पर था तो इधर अपोजिट उसका एक्सियल वाला यहाँ पर आ जाएगा H4 यहाँ पर, बाकी सब उसी तरह से अपोजिट पर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी था, पता नहीं समझ में आया कि नहीं, अगर आपको समझ में आया तो सो कमेंट करिएगा कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार फिर से समराइज़ करते हैं हम, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो होगा हमारा होमोटॉपिक, अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो होगा हमारा एनानशियोटॉपिक, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी तो भी हमारा होगा एनानशियोटॉपिक, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि C4 और सिग्मा दोनों है तो वो होगा हमारा एनानशियोटॉपिक, या फिर किसी भी कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई भी जो हमारे पास बाइसेक्ट हो रहा है वो होगा हमारा डायस्टीरियोटॉपिक। हाँ, अब ये जो सब इंटरचेंज हुए हैं इसको आप कह सकते हैं होमोटॉपिक, होमोटॉपिक, और ये जो बाइसेक्ट हुए हैं ये दोनों हाइड्रोजन इसको आप कह सकते हैं डायस्टीरियोटॉपिक, बाकी जो आपस में रिफ्लेक्ट हुए हैं इसको आप कह सकते हैं इन सब हाइड्रोजन को H1 H2 H3 H9 ये दोनों आपस में क्या हैं एनानशियोटॉपिक, और ये जो आपस में बाइसेक्ट हुए हैं ये भी हो जाएंगे आपके डायस्टीरियोटॉपिक, और ये सब जो आपस में रिफ्लेक्ट हुए हैं वो हो जाएंगे एनानशियोटॉपिक। यहाँ पे लिखा गया है ना, जो रिफ्लेक्ट होंगे वो एनानशियोटॉपिक, जो बाइसेक्ट होंगे वो डायस्टीरियोटॉपिक, इसमें ये दिखाया गया। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल ऐसा जिसमें अगर हमारे पास C2 सिमेट्री भी प्रेजेंट हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो, यानी कि हमारे पास होमोटॉपिक और एनानशियोटॉपिक दोनों होने की संभावना हो, तो हम क्या करते हैं, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं।
तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर, चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर वन से। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, सी टू सिमेट्री। सबसे पहले हमें किसी भी मालिक्यूल में सबसे पहले सी टू सिमेट्री देखना है, और अगर उसमें सी टू ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो होता है हमारा होमोट्रॉपी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सी टू ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ से हम एक एक्सिस पास करेंगे, यहाँ से सी टू, इसको हम रोटेट करेंगे। तो ये जब रोटेट करेंगे तो ये इस साइड, ये इस साइड, और ये वाला इस साइड, और ये वाला इस साइड हो जाएगा। ये नीचे वाला जो है वो घूम कर इधर नीचे से ऊपर की साइड आ जाएगा, ये ऊपर वाला घूमकर नीचे वाला ऊपर की साइड आ जाएगा, यानी कि इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा एच ए एच बी, जो आपस में दोनों हैं एच ए एच बी, ये दोनों आपस में क्या हैं, होमोटॉपिक। होमोटॉपिक है, ठीक। लेकिन अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, इसी मालिक्यूल में भी। तो हम प्लेन यहाँ से कुछ इस तरह से डालेंगे। तो देखिए ये ए रिंग जो है वो प्लेन पर है, लेकिन ये जो है वह बॉन्ड ऊपर नीचे है। ये इस तरह से प्लेन बनना है, नहीं है। ये देखिए वो रिंग जैसे कि वो प्लेन पर नहीं है, वो कुछ इस तरह से है ना। आपको लग रहा है कि वो इस तरह से, लेकिन वो इस तरह से ना होकर वो इस तरह से है। एक बॉन्ड ऊपर की साइड है और दूसरा बॉन्ड नीचे की साइड है। जब हम प्लेन पास करेंगे तो ये इन दोनों से कट करता हुआ यहाँ से बी से यहाँ से चला जाएगा। तो एच ए एच बी इससे बाइसेक्ट होंगे, और उसके साथ ये कार्बन बाइसेक्ट होगा, और उसके साथ इधर एक बॉन्ड होगा, इधर कोई कार्बन नहीं होगा। तो इसमें भी देखेंगे आप क्या, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या ये एनेंशियोट्रॉपिक हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या ये एनेंशियोट्रॉपिक होगा? जिस मालिक्यूल में प्रेजेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एनेंशियोट्रॉपिक ना, मैंने अभी पहले टेबल में बताया। अब ये यहाँ से होमोट्रॉपिक भी हो गया और यहाँ से एनेंशियोट्रॉपिक भी हो गया। तो अब हम इसमें से क्या कहेंगे, इसे होमोट्रॉपिक कहेंगे या एनेंशियोट्रॉपिक कहेंगे? तो आप यहाँ पर नोट करके एक चीज़ लिख लेंगे, अगर किसी भी मालिक्यूल में होमोट्रॉपिक और एनेंशियोट्रॉपिक दोनों होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इसमें हम होमोट्रॉपिक पहले करते हैं। सो किसी भी मालिक्यूल में हम सी टू ऑफ सिमेट्री देखेंगे, वो होमोट्रॉपिक हो गया तो वो हो जाएगा हमारा होमोट्रॉपिक ही। उसके साथ उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो चाहे ना हो, वो होगा हमारा होमोट्रॉपिक। अब देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है तो इसमें हम एनेंशियोट्रॉपिक इसे ना करके इसे हम कहेंगे होमोट्रॉपिक। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जब हम इसमें सी टू एक्सिस पास करते हैं तो ये एच ए, जब हम सी टू एक्सिस पास करके इसको रोटेट करते हैं तो ये एच ए जो है वो ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, तो ये ऊपर की साइड आ जाएगा, और ये एच ऊपर की साइड, एच बी ऊपर की साइड है तो ये घूमकर उधर से नीचे की साइड आ जाएगा, और इधर जो है ये कार्बन, ये इसके अपोजिट साइड, ये इधर आ जाएगा जब इस तरह से हम इसे रोटेट करेंगे, तो ये वाला उधर से इस साइड और ये वाला इस साइड आ जाएगा, और ये सी एच थ्री जो ऊपर है वो नीचे की साइड आएगा। लेकिन इधर नीचे की साइड हमारा सी एच थ्री ना है, एच है, तो इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो आप देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आप देखेंगे तो ये दोनों बाइसेक्ट हो जा रही हैं, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट होगा। मैंने अभी बताया ना, इधर बाइसेक्ट हो रहा था, ये ऊपर एबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ठीक। तो इसके साथ ये बाइसेक्ट हो जाएगा अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये सी एच थ्री, सी एच थ्री आपस में रिफ्लेक्ट करेगा, ये इधर एच एच रिफ्लेक्ट करेगा, तो एच ए एच बी जो दोनों आपस में क्या है, एच ए एंड एच बी आपस में बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा डायस्टीरियोट्रॉपिक। डायस्टीरियोट्रॉपिक, हाँ। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, अगर हम यहाँ से इसमें सी टू एक्सिस पास करें तो ये ऊपर की साइड है, तो ये नीचे की साइड है, ये तो ये ऊपर की साइड जाएगा, और ये इधर से रोटेट होकर ऊपर की साइड आएगा, यानी कि हम इसको इस तरह से रोटेट कर दें, इधर ऊपर से डाल के इसको हम इस तरह से रोटेट कर दें, तो ये नीचे वाला ऊपर की साइड, नीचे की साइड सी एच थ्री है, ये ऊपर की साइड सी एच थ्री चला जाएगा, ये सी एच थ्री उधर से रोटेट होकर आएगा इधर नीचे की साइड, या ऊपर की साइड है नीचे की साइड जाएगा, उधर नीचे से वो ऊपर की साइड आएगा, यानी कि इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा होमोट्रॉपिक। ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन हैं, इसका आपस में रिलेशन क्या है, होमोट्रॉपिक। अब हम अगले एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं, ये है हमारा, इसमें हमारे सबसे पहले एक सेंटर हम यहाँ पर बीच में बना देंगे, क्योंकि इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री
प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं से आपको लग नहीं रही है, तो इसमें आप देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देंगे हम, तो इस स्थिति को हम इधर से अपोजिट साइड एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे यहाँ से ले जाते हुए, तो ये H से गई H पर, ठीक है। और ये दूसरी जब इमेजिनरी लाइन हम इस तरह से निकालते हैं तो ये PA से PH पर, और जो तीसरी है वो इस तरह से H पर, और इधर COOH से COOH पर। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर PH होता तो COOH से यहाँ से इमेजिनरी लाइन होती जो PH पर आती, तो यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर COOH है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो होता है हमारा एनेंशियोटॉपिक। एनेंशियोटॉपिक मतलब इस H1 और H2 एंड H3 एंड H4 ये आपस में क्या हैं, एनेंशियोटॉपिक। और H1, H3, H4 ये आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोटॉपिक। आप और लिख लेंगे। अब इसमें देखो, इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हम यहाँ से एक एक्सिस पास करें इस कार्बन से होती हुई और यहाँ से बीच से निकाल लें, और अब हम इसको C2 रोटेट कर दें 180 डिग्री, तो इसमें क्या देखेंगे आप, ये अगर ऊपर वाले साइड को हम H माने और नीचे वाली साइड को Cl, तो हम जब इसको रोटेट करेंगे तो इधर जब ये रोटेट होकर इधर आ जाएगा तो Cl ऊपर की साइड, H नीचे की साइड हो जाएगा। देखिए जब ये इस तरह से है और हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, यहाँ से एक्सिस है ना, तो हम इसको इस तरह से करें, इससे इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे, यानी कि ये इस तरह से है, Cl नीचे की साइड है और H ऊपर की साइड है। इसको जब हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो इधर Cl ऊपर की साइड, इधर H नीचे की साइड, यानी कि इसमें C2 ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जिसमें अब C2 ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो ये H1 और ये H2 के बीच में जो दोनों में रिलेशन होगा वो हो जाएगा हमारा होमोटॉपिक। होमोटॉपिक ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इस HA HB में रिलेशन पूछ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे C2 ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री सभी लगा कर देखेंगे। अगर कोई प्रेजेंट नहीं होती है तो ये होता है हमारा डायस्टीरियोटॉपिक। इसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा डायस्टीरियोटॉपिक। डायस्टीरियोटॉपिक आप पूरा लिख लेंगे अगर आपको कटा दिखे तो। और ये आपके लिए होमवर्क। अब इस HA HB में आप क्या देखेंगे, कोई सिमेट्री प्रेजेंट लग रही है आपको, कहीं से आप कहीं से आप इसको रोटेट करके C2 ऑफ सिमेट्री कहीं से आप ला सकते हैं। इधर Cl प्लेन पर है, इधर Cl एबव द प्लेन है, तो कहीं से भी आपस में कहीं भी कुछ रिफ्लेक्ट होने का चांस दिख नहीं रहा है। C2 ऑफ सिमेट्री कहीं यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोटॉपिक। कोई भी सिमेट्री नहीं होती है जिसमें, वो होते हैं डायस्टीरियोटॉपिक। तो यहाँ से ये हमारा टोपोसिटी ख़त्म होता है। होमोटॉपिक, हेटरोटॉपिक, हेटरोटॉपिक में हमारा डायस्टीरियोटॉपिक एंड एनेंशियोटॉपिक था, ये हो गया हमारा ख़त्म। इसी के साथ हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री सीरीज़ ख़त्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी, और इस पर कुछ क्वेश्चन वेश्चन होंगे तो फिर वो बाद में आएंगे, अभी एरोमेटिसिटी देखेंगे हम लोग। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।